So hello guys. स्वागत so, है हमारे चैनल में स्पोर्ट्स आज हम बात करेंगे फुटबॉल और क्रिकेट से कुछ न्यूज तो शुरू करते हैं आज का वीडियो के तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो है मोहम्मद एन की तरफ से तो मोहम्मद फाइनली सात साल बाद वो आई लीग के फर्स्ट डिवीजन में जा चुके हैं एंड कल उनका मैच था भवानीपुर एससी के साथ एंड वो मैच वो 2-0 से जीत गए एंड वो फाइनली क्वालिफाई कर चुके हैं आई लीग के लिए एंड देखना पड़ेगा कि इस साल मोहम्मद एन का परफॉर्मेंस आई लीग में कैसा रहता है आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना सो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो हैदराबाद एफ सी के से तो हैदराबाद एफ ने तीन प्लेयर्स का साइनिंग कंप्लीट कर लिया एंड मैंने तीनों ही प्लेयर्स का नाम पहले बता दिया था बट कल ये साइनिंग अनाउंस हो गया है एंड वो तीन प्लेयर्स है आकाश मिश्रा बिया का जोंगते एंड रोहित दानू तो लाल भाई खुला जोंगते या फिर बिया का जोंगते आप जिस भी नाम से जानते हो तो इन तीनों का ही साइनिंग कंप्लीट हो चुका है आकाश मिश्रा जो कि लेफ्ट बैक पोजिशन के प्लेयर है उनका एज है एट्टीन लाल भाई खुला छोंगते जो कि एट्टीन ईयर ओल्ड उनका एज है एंड गोलकीपर है एक्चुअली एंड रोहित दानू जो कि सेंट्रल फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है उनका भी एज है एट्टीन तीनों ही प्लेयर्स इंडियन आरोज के बहुत ज्यादा यंग बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है एंड उनको शायद उतना मौका ना मिले बट इनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हैदराबाद एफ में सो डेफिनेटली ये साइनिंग तो बहुत बढ़िया है ही हैदराबाद एफ के लिए इन तीनों प्लेयर्स के भी इन, ये इनको इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलेगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो देखते इन तीनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है हैदराबाद एफसी का ओके सो एक चीज आ रहा है ईस्ट बंगाल की तरफ से तो कुछ रिपोर्ट बोले कि ईस्ट बंगाल बात कर रहा है कॉलिन क्वैनर के साथ तो कॉलिन जो कि सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर है है उनका उनका एज लास्ट क्लब साथर्स फील्ड एंड उन्होंने यूनियन बर्लिन में भी खेला है यूनियन बर्लिन एक जर्मनी का फर्स्ट डिवीजन का क्लब है एक टाइम पे सेकंड डिवीजन में था एंड डेफिनेटली ये मैं बोलूंगा अगर इनका साइनिंग होता है तो ये काफी बढ़िया साइनिंग होगा कॉलिन क्वैनर एक सेंट्रल फॉरवर्ड पोजिशन के प्लेयर है उनका एज है ट्वेंटी नाइन अच्छे प्लेयर है लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ अच्छा था नहीं उनको उतना मौका भी नहीं मिला था उन्होंने मैचेस खेले थे लास्ट सीज़न एंड कोई गोल नहीं किया था सो देखना पड़ेगा कि क्या कॉलिन कोहलिन ईस्ट बंगाल में आते या नहीं एंड उनके आने के चांसेस अच्छे खसे बट अभी ये तो टाइम में पता चल ही जाएगा सो अभी के लिए तो हम लोग को सिर्फ वेट ही करना है सर ने आ रहा है वो भी आ रहा है ईस्ट बंगाल की तरफ से तो ईस्ट बंगाल का नाम ऑफिशियली पता ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है मतलब हम को पता चल गया ऑफिशियली एंड जो नाम है एससी ईस्ट बंगाल जो कि मैंने पहले बोला था वही नाम है ईस्ट बंगाल का एस सी ईस्ट बंगाल सो नेक्स्ट मुंबई सी एफ सी तरफ से मुंबई तो ने साइनिंग का तो ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड सेंट्रल मिडफील्ड पोजिशन के प्लेयर है एंड उनका साइनिंग कंप्लीट कर लिया है मुंबई तो सीरेफसी ने काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी बढ़िया साइनिंग मुंबई सी एफ सी तरफ से क्योंकि लास्ट सीजन अगर हम लो लोग देखे तो हुगो बुमोस का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत

प्रॉब्लम हो गया होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अभी रिसेंटली इंडिया में आए तो उनका कोई वीजा का प्रॉब्लम चल रहा होगा तो इसी वजह से जेम्स डोनाची इंडिया में नहीं आ पाए थे बट मैंने बोल दिया था कि वो इंडिया में आ गए थे क्योंकि रिपोर्ट्स वैसे ही थे एंड मैंने नहीं बोला था मार्कस सन ने बोला था कि उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया था कि हाँ जेम्स डोनाची मंडे को आएंगे बट हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगा वीजाज में तो so, उसके लिए मैं सॉरी हाँ मैंने पहले रिपोर्ट कर दिया था बट हाँ जेम्स डोनाची आ, आ चुके हैं गोवा में फाइनली एंड ये गोवा टीम के लिए भी अच्छा है अब देखते हैं कि इस साल जेम्स डोनाची का परफॉर्मेंस एफ गोवा का हो गया कैसा रहता है तो नशी वाला राफायल अगस्तो को लेकर तो so, राफाइल अगस्तो का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दो साल का था एंड एक साल अभी उसमें बाकी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है बेंगलुरु एफसी ने एंड ये म्यूचुअल टर्मिनेशन था कोई पर्सनल रीजंस के कारण रफाइल अगस्तो बेंगलुरु एफ सी में अब नहीं खेल सकते कोविड का सिचुएशन हो सकता है बहुत कुछ हो सकता है बट अभी के लिए तो आ, वो वो रीज़न क्या है वो अभी भी पब्लिक नहीं किया गया ना ही कभी किया जाएगा सो so, हाँ राफेल अगस्त को हम लोग नहीं देख पाएंगे बेंगलोर में सो so, नेक्स्ट है इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल आज रियल एंड बार्सिलोना तो रियल एंड बार्सिलोना दोनों इंटरेस्टेड है ब्रूनो फर्नांडिस के ऊपर तो ब्रूनो फर्नाडिस जो कि 26 सिक्स के प्लेयर है आठ महीने पहले ब्रूनो फर्नांडिस एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए थे एंड बार्सिलोना रियल दोनों ही इंटरेस्टेड

तो रियल मंदिर इंटरेस्टेड है हालांड के ऊपर एंड हालांड भी रियल मंदिर ज्वाइन करना चाहते हैं ये इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया था सो so, देखने लायक होगा कि क्या हालान रियल मदिद में आते यानी एंड अगर वो आते तो वो देखने लायक एक चीज़ होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है हालांड एंड उनका रिसेंट परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो so, डेफिनेटली एक नजर रहेगा हालांड के ऊपर अगर वो रियल मदिद में आते हैं तो ऑलरेडी सबका नजर है हालांड के ऊपर क्योंकि बहुत से डॉटमेंट का उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था सो so, देखना है कि इस साल क्या रियल मदिद में आते हैं हालांड इस साल नहीं तो नेक्स्ट साल कभी ना कभी शायद आएंगे हालान क्योंकि हालांड खुद आना चाहते हैं रेल मदिद में एंड अगर कोई प्लेयर सच में आना चाहता है किसी क्लब में तो वो क्लब के लिए भी इजी हो जाता है सो देखते क्या होता है सो जो नेक्स्ट भी आ रहा है हमारे प्रीमियर लीग को लेके, सो प्रीमियर लीग में आज एक बहुत ही बड़ा मैच है एंड वो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, आर्सेनल का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है मैनचेस्टर सिटी का रिसेंट परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा है नहीं बट uh, डेफिनेटली ये मैच देखने लायक हो क्योंकि दोनों ही टीम्स के लिए ये मैच थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एंड आर्सेनल के लिए भी मैच इंपॉर्टेंट है अगर उनको टॉप फोर में एक अच्छा खासा पोजीशन बना के रखना है एंड अभी टीम का जो प्लेयर्स है उनका मोटिवेशन भी काफी हाई है एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए भी जीतना इंपॉर्टेंट है ताकि वो एक कम कर सके अब ये सीजन का बहुत ज्यादा शुरुआत है अभी बहुत टाइम है बट डेफिनेटली देखने लायक हो कि ये मैच कौन जीतता है मुझे लगता है आर्सेनल ये मैच टू जीरो से या फिर टू वन से जीत जाएगा आपको क्या लगता है अपनी जगह कमेंट करके जरूर बताना जरा वा आईपीएल को लेकर आईपीएल में कभी थाआर वर्सेस मुंबई इंडियंस एंड अच्छा मैच था मुंबई इंडियंस ने कंप्लीटली अपना डोमिनेशन दिखाया है एंड बॉलिंग में मुंबई इंडियंस की तरफ से ऑलमोस्ट सारे बॉलर से अच्छा बॉलिंग किया काउंटर नाइल को छोड़ के एंड uh, बैटिंग का अगर हम लोग बात करें के आर का तो के आर के बैटिंग में पैट कमिंस ने बहुत अच्छा बैटिंग किया है एंड योन मॉर्गन का भी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था बट अगर हम लोग बात करें कि केकेआर का बैटिंग में सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन था तो वो था एक बॉलर पैट कमिंस एंड उससे बढ़िया बैटिंग किसी ने नहीं किया है एंड अगर हम लोग मुंबई इंडियंस का बैटिंग का बात करें तो क्विंटन डिकॉक ने बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेला है मतलब लिटरली देखने में मजा आ गया वैसा वाला एक इनिंग्स खेला है क्विंटन डिकॉक ने एंड केकेआर की तरफ से बॉलिंग में किसी को भी उतना ज्यादा मौका मिला नहीं क्योंकि टारगेट वन रन का था तो उस पिच में चेस करना ईजी हो जाता है डेफिनेटली so, मैच हाँ, काफी बढ़िया था मुंबई इंडियंस के लिए एंड देखना पड़ेगा uh, जरूर बताना so, आज का जो मैच है एंड दोनों ही टीम्स के लिए इंपॉर्टेंट मैच है दिल्ली कैपिटल्स को नंबर वन पोजिशन में रहना है तो यह मैच जीतना पड़ेगा सीएसके को अगर इस कॉम्पिटिशन में रहना है तो मैच जीतना पड़ेगा सो सी के लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है बट हाँ दिल्ली कैपिटल्स ऑब्वियसली काफी ज्यादा हार्ड टीम है इस साल एंड बहुत ही ज्यादा एक टफ कंपटीशन दे रहा है दिल्ली कैपिटल्स हर एक टीम को इतना इजी नहीं होगा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिल्ली कैपिटल्स को हराना एंड चेन्नई सुपर किंग्स का जो रिसेंट लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा था बट दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट में जब आप खेलते हो तो उसको और भी अच्छा करना पड़ेगा जो कि आज के बैच में को देखना पड़ेगा कि दिल्ली कैपिटल्स एंड चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है एंड क्या दिल्ली कैपिटल्स का हो गया खेलेंगे यानी क्योंकि लास्ट मैच में उनको थोड़ा सा इंजरी आया था वो तो पता चली ही जाएगा कि क्या होता है बट अभी के लिए तो मुझे लगता है ये इस मैच में दिल्ली एक काफी बड़ा अपर हैंड रखते क्योंकि उनका रिसेंट अच्छा है एंड अगर चेन्नई किंग्स को यह मैच जीतना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा सो, सो बस गाइस आज के लिए इतना ही अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड बेलेक का दबाना मत भूलेगा एंड कमेंट कीजिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस मिलता है आपको एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय